हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। कहा जाए तो बॉलीवुड में अब कुछ भी नया नहीं रहा, सब कुछ कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट की जा रही है। हम सभी ने देखा कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ हीरोपंती 2 का। कह सकते हैं कि बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म हीरोपंती 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया भी लीड रोल में है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म हीरोपंती 2 29 अप्रैल यानी ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हीरोपंती 2 का ट्रेलर टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त एक्शन सीन से भरा हुआ है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ बबलू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला और तारा सुतारिया इनाया का रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म में साइबर क्रिमिनल बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का टाइगर श्रॉफ के साथ लड़ाई दिखाई जाएगी, जिसके चलते आपको डबल एंटरटेनमेंट होने वाला है और फिल्म के डायलॉग आपका ध्यान खींचेंगे। वहीं तारा सुतारिया फिल्म में टाइगर श्रॉफ की प्रेमिका का रोल प्ले कर रही हैं। हीरोपंती के सीक्वल फिल्म हीरोपंती 2 को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया। हीरोपंती 2 को डायरेक्ट करने वाले अहमद खान ने टाइगर श्रॉफ की बागी 2 और बागी 3 का भी डायरेक्शन किया था। बताते चले कि टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में हीरोपंती से डेब्यू किया था। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ कीर्ति सैनन नजर आई थी। फिल्म का डायरेक्शन सब्बीर खान ने किया था। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रेलर में हमें देखने को मिला था। लेकिन ये लैला का कैरेक्टर जो है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोल प्ले कर रहे हैं, ये आपको पता है कि साउथ की फिल्मों में हम कई फिल्मों में देख चुके हैं। टाइगर श्रॉफ का भी कैरेक्टर है, वो समथिंग वहीं से पिक किया गया है। मे बी ये बॉलीवुड है तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में चीज़ें कहीं से उठाई जाती हैं और थोड़ा बहुत बॉलीवुड फ्लेवर मिला दिया जाता है, थोड़ा बहुत एक्शन का डोज बढ़ा दिया जाता है और फिर वो तैयार हो जाती है बॉलीवुड की एक नेक्स्ट मूवी लाइक हीरोपंती 2। जो रोल प्ले किया है लैला ने, वो फिल्म देख सकते हैं। एक फिल्म है लाई करके, YouTube पे मिल जाएगी आपको इजीली। उस फिल्म में भी विलन क्राइम करता है। साउथ में एक और फिल्म है विशाल की, फिल्म का नाम है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। फिल्म में भी जो विलन है वो क्रिमिनल है और साइबर क्राइम करता है। अब जब भी ये दोनों फिल्में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है साइबर क्रिमिनल का वहीं से पिक किया गया है। ये काइंड ऑफ वो गे का रोल प्ले कर रहे हो, ये कैरेक्टर साउथ की फिल्म से लिया गया है। आपको बता दूं कि उस फिल्म का नाम है इरुमुगन। में विक्रम ने डबल रोल प्ले किया है, एक तरफ विलन का कैरेक्टर थोड़ा बहुत गे टच में आता है कि बहुत ही दमदार विलन है। वेल, आपको ये तीनों फिल्में देखनी चाहिए और जब आप ये तीनों फिल्में देखेंगे जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नथिंग न्यू इन बॉलीवुड, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट। कैरेक्टर और थीम के अलावा बात करें तो नो डाउट कि हम सभी जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी माइंड ब्लोइंग एक्टर है, लेकिन आजकल उनके कैरेक्टर में भी सिमिलैरिटीज बहुत देखी जा रही है। सेम हंसी, सेम वॉइस टोन और सेम डायलॉग डिलीवरी काइंड ऑफ। टाइगर श्रॉफ इन एवरी फिल्म वी नो दैट कि वो बहुत ज्यादा एक्शन फिल्में करते हैं और हर फिल्म में उनका एक्शन हम जानते हैं कि एक अलग लेवल पर होता है। बट जितनी भी अब तक की टाइगर श्रॉफ की फिल्में मैंने देखी है पर्सनल लेवल पर, वॉर मुझे उनकी सबसे बेस्ट फिल्म लगी थी। पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें मुझे टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग नजर आई थी, उसमें टाइगर श्रॉफ का लेवल अलग था। बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बातें कह रहा हूँ। आपको क्या कहना है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।